person can use a mobile or any other device which is at home to use our artificial intelligence and correct their posture and learn yoga. This can also be used in other situations. For example, it can be used in cricket or tennis to correct your pose and your form. Secondly, it can also be used in senior citizens who have a thumb back or chronic pain to correct and strengthen their muscles, bones and joints. Thirdly, it can also be used in physiotherapy centers so that their body can be properly monitored and their posture can be maintained. आप लोग एक डेटा मेंटेन करते हैं कि कितने लोगों ने इस ऐप के द्वारा योगा पोस्चर को परफेक्ट करने की दिशा में प्रयास किया और जो चेंज चाहते थे बॉडी में वो उनको चेंज मिला 30 दिन 60 दिन 90 दिन अगर आपने उनको ट्रैक किया हो ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है जी हाँ वी हैव अ लीडर बोर्ड वेयर पीपल देयर स्कोर्स विल बी शोड इन रियल टाइम तो उन्होंने लेट्स से दे हैव प्रैक्टिस्ड ओवर 1 वीक देन देयर 1 वीक स्कोर्स विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन लीडर बोर्ड ताकि दे कैन कॉम्पीट विद अदर्स और हेल्थी पीयर प्रेशर बिल्ड कर सके ये जो आपकी गेम है वो सिर्फ अंग्रेजी में है या मल्टीलिंगुअल है और यूएन की जो लैंग्वेजेज हैं ताकि दुनिया में पहुंचे इसके लिए भी कुछ किया है क्या अभी फिलहाल ये इंग्लिश में ही है लेकिन इसको ट्रांसलेट करने का प्रोसेस वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग इट इनटू अदर लैंग्वेजेस एंड इट इज वेरी सेल्फ सफिशिएंट अभी क्योंकि बहुत सारे विजुअल इंटरैक्शन हैं इसमें जिसकी वजह से लैंग्वेज की नेसेसिटी उतनी फील नहीं होगी विजुअलाइजेशन को देख के ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बट वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट इनटू अदर ट्रांसलेशन एंड वी बिलीव इट इज गोइंग टू बी इजी टू डू दैट अच्छा जो दिव्यांगजन है उनको कमेंट्री के द्वारा या कोई और तरीके जोड़ करके हम उसमें कुछ डेवलप कर सकते हैं या कुछ किया है आप लोगों ने हाँ वी हैव वॉइस ओवर्स इसमें जो स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट सॉरी टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करता है तो अगर कोई पढ़ नहीं सकता या देख नहीं सकता तो वो आराम से सुन के योगासन कर सकता है चलिए आज योग का चलन इतना अधिक बढ़ गया है ये हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान देखा है अब गेमिंग के जरिए जो आपका ये नया प्रयास है ये योग के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा देगा और युवाओं को एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिटनेस के लिए भी प्रेरित करेगा आपने अपने गेम में ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी उन दोनों का जो मिलन किया है इससे हम और बेहतर ढंग से योग का लाभ दुनिया तक पहुंचा सकते हैं ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी ताकत है मैं आपकी पूरी टीम को सभी नौजवान साथियों को इस शानदार प्रयोग के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे नए नए इनोवेशन करते रहें और बार बार नई चीजें लेकर के आप देश और दुनिया के सामने आइए मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको थैंक यू धन्यवाद नेक्स्ट लेट अस मूव टू SKCET कोयंबटूर सेंटर फॉर इंटरेक्शन विथ अथिक मोहम्मद फ्रॉम त्यागराजर पॉलिटेक्निक और इन्होंने हेरिटेज रेस नाम का गेम क्रिएट किया है द मोस्ट रेस्पेक्टेड ऑनरेबल बिलवर्ड पीएम सर नमस्कार नमस्ते आई एम अतिक मोहम्मद अतिक जी आपके साथ कौन है हु इज विथ यू आई एम सोलो सर सिंस ड्यू टू कोविड क्राइसिस आई एम अलोन हियर I'm Atik Mohammed, the team leader of Heritage Race, currently pursuing my final year of Diploma Civil Engineering at Tyagarajar Polytechnic College, Tamil Nadu. I would like to demonstrate my innovative model of digital toy, Heritage Race, and virtual reality cycling experience. My game concept is all about creating an
virtual reality, indoor virtual reality cycling experience for both normal peoples as well as the Divyang users, that's especially able persons, for boosting their physical and mental fitness, as well as to have virtual rides among the great monuments and the ancient cities of the Indian nation. This is the main motive of our ride. This is all done due to the reasons, the change in global trends, sir. Due to the COVID crisis, many of the monuments are now being shuttered down, which leads to the less in tourism activities. To overcome this issue, we are creating a virtual environment in which the user can have the cycling experience. The game is framed in a way that it can be accessed easily and more feasible to increase the affordability of the game. By sitting onto a cycle in indoor and wearing the virtual reality headset onto their eye point, the user can easily access the game and get into the environments like Taj Mahal, which are developed graphically. Once after they started to pedal in the real environment, in the real world, it will be personified that they are actually moving in the virtual world. By wearing this virtual reality headset, and this is applicable with the beautiful illusion setups and corresponding Vedic background music, which will also be provided to gain the mental fitness of the users. This is how we have entirely framed the toy. Games. Yes. Atik ji. Yes, sir. सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देता हूँ. आपने साइकिलिंग थैंक यू सर और वर्चुअल हेरिटेज साइट सीन एक yes. साथ लाकर ये गेम बनाया है. बड़ा इंटरेस्टिंग है. Thank मैं you. देख Thank रहा हूं कि ये फिटनेस, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट एक yes. प्रकार से ये तीनों का संगम है. ये कैसे काम करेगा और ये आइडिया आपको कब और कैसे आया? क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बनाया है और आजकल दुनिया में टूरिज्म एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका है. It's all due to the problem statements which is being provided by the Toykathon team, sir. They gave us the problem statement about to increase the culture of the toy should be in an increased culture way. It should also promote the physical and mental fitness of the user, and it should also be an entertaining toy. This is the problem statement awarded to us by the Toykathon, and we innovated to as a finding solution for that toy for that question. We innovated this toy, sir. Hands off for Toykathon team. Atik ji, ये आपने जो गेम बनाया है उसके विषय में जब मैं सुन रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि शायद इसके लिए काफी कुछ नए नए आपको प्रयोग करने पड़े होंगे तब जाकर के यहां तक पहुंचे होंगे. आपके अपने खुद भी तो आयु भी बहुत छोटी है, खुद की पढ़ाइयां का टेंशन रहता होगा, कोरोना के भी टेंशन रहा होगा और रेगुलर पढ़ाई का भी एक जिम्मा, परिवार की भी बहुत अपेक्षाएं होगी. तो ये काम को कैसे किया आपने, कैसे मैनेज किया? We worked as a team with our whole the college also supported us for developing this idea. Only the entire idea concept was ours, but this toy is involving with several departments like 3D modeling, importing to Unity 3D, etc. And sensor setup is also being provided. For that, we had taken several mentor supports from our college for developing this innovative model, sir. अतिक मोहम्मद जी, मेरी तरफ से आपको अभिनंदन तो देता हूं. आपका ये इनोवेशन ऐसे समय में आया है जब काफी लोग कोविड की वजह वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. वर्चुअल टूर से लोगों को काफी मदद मिलेगी. मेरा सुझाव है कि अगर संभव हो तो आप अपने इस गेम को ट्रेडमिल के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, स्मार्ट वॉच के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, लोगों की स्पीड के हिसाब से वीआर एक्सपीरियंस बदल जाए तो उनकी घर बैठे एक्सरसाइज और साइट सीइंग दोनों ही हो जाएगा. मैं समझता हूं कि आप इसमें बहुत नई नई चीजें जोड़ सकते हैं और मेरा आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई भी है और शुभकामनाएं. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर.
अब हम उत्तर प्रदेश मेरठ के विवेक बांद्रा और अभिनव बसक, जो श्री जमाहयम इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ये स्टार्टअप है, इनके साथ संवाद के लिए नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के पास हम जाएंगे। नमस्ते जी, आवाज नहीं आ रही विवेक जी आपके यहां से। आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी गणमान्य पैनल मेंबर्स को मेकर्स क्लैन टीम की ओर से नमस्कार। मेरा नाम विवेक बांड्रा है, अभिनव और मैं डिजाइन स्टूडेंट्स हैं आईआईटी कानपुर से, और नीरज जी हमारे प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट के एक्सपर्ट हैं। वी हैव डेवलप्ड एन एजुकेशनल बोर्ड गेम टू इंट्रोड्यूस एंड टीच स्मॉल किड्स, यंग किड्स अराउंड एज 8+ टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हमारे देश में बहुत पुराना इतिहास रहा है, लेकिन फिर भी आज के बच्चे केमिस्ट्री से थोड़ा घबराते हैं, लेकिन वो चंचल होते हैं और वो जिज्ञासु होते हैं। तो हमारा एम है कि उन्हीं जिज्ञासा को हम प्रयोग करके उनके अंदर से वो डर को दूर करें। तो द गेम दैट वी हैव डिजाइन इज एन एडवेंचर वेयर पेरेंट वेयर द प्लेयर्स विल नीड डिफरेंट एलिमेंट्स थ्रू आउट द बोर्ड गेम थ्रू आउट द बोर्ड एंड इन द प्रोसेस दे विल लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, the compounds of the elements that they make and the uses of those elements in real life. So objective of the game is that ki jo bachcha hai he is a scientist, the players are the scientists from 4 different countries aur wo ab bahut hi rare element apni country ke liye procure karna chahta hai, jo wo kar payega apni country ke development ke liye wo jeetega, to uske liye use rare earth metal aur radioactive element ki zarurat hai. Ye hamara board game hai, board में 8 अलग अलग जोन्स हैं, जैसे पहाड़ हैं, स्नो है, जंगल है, डेजर्ट है, तो वहां पर हमने अलग अलग एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को छुपा कर रखा है। तो बच्चों को पूरे बोर्ड में से ऑब्जेक्ट्स ढूंढ के उन ऑब्स्टेकल्स को पार करके उन्हें ढूंढना है। जैसे डेजर्ट में ऑब्स्टेकल है डिहाइड्रेशन का, तो बच्चे को दिमाग लगाना है कि उन्हें पानी चाहिए, पानी के लिए उन्हें चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो बच्चा पहले मैप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ढूंढकर वहां पहुंचेगा और वाटर बनाएगा, वो वही उस एलिमेंट को पा पाएगा। दूसरा एग्जांपल है जैसे वो कीचड़ वाला एरिया है, कीचड़ वाले एरिया में लीचेस हैं, लीच को के लिए उसको नमक की जरूरत है NaCl। जो बच्चा पहले सोडियम और क्लोरीन ढूंढ कर NaCl बनाएगा वही उस एलिमेंट को प्रिक्योर कर पाएगा। ये हमारा गेम का वो है। तो जो बच्चा पहले एक रेयर अर्थ मेटल और एक रेडियो एक्टिव मेटल ऐसे ढूंढ पाएगा और बीच में पहुंचेगा, उसको वो वेरी रेयर एलिमेंट मिलेगा और वो जीत जाएगा। हमारा आगे मकसद है कि इस अपने गेम को डिजिटली भी लेके जाएं, ताकि हम और भी एलिमेंट्स को उसमें डाल सकें और एक एडवेंचर गेम की तरह इसे बनाएं, ताकि और भी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। हमारा लक्ष्य है कि भारत के सभी बच्चे केमिस्ट्री और साइंस में इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट जगे और भारत का नाम रोशन करें। धन्यवाद। विवेक जी, जाम्याहम नाम कैसे रखा है आपने? श्री जाम्याहम का मतलब होता है सृजन, जो कि गीता से आया है। तो हमारा इनोवेशन उसी से स्टार्ट हुआ था कि हम लोग कुछ नया सृजन करें, नई चीज बनाएं, इसलिए हमने अपना नाम से जाम्याहम इनोवेशन रखा। अच्छा विवेक जी, क्या आपने गेम में जी आपने हमारे देश के प्रमुख वैज्ञानिकों को, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है कि जो हमारी एक बहुत बड़ी लंबी विरासत है, और उनकी उपलब्धियों के बारे में भी इसके अंदर कोई हिस्सा रखा है क्या? जी हाँ जी, हमने एक रूल बुक बनाया है। इस रूल बुक में हमने फन फैक्ट्स डाले हैं, कहाँ कहाँ पर एलिमेंट्स एक्चुअली में इंडिया में भी और बाकी दुनिया में भी मिलते हैं, और साइंटिस्टों के बारे में भी हम लोगों ने इसमें इंट्रोडक्शन दिया है कि कौन कौन सा साइंटिस्ट है। तो हमने इस रूल बुक में वो सब इन्फॉर्मेशन दी है। विवेक जी, जितना मैं समझा ये 3-4 मिनट में, तो एक तो मुझे लगता है इसमें मैप रीडिंग भी है जी हाँ, और दूसरा उसमें केमिस्ट्री से जुड़े हुए एलिमेंट्स भी है जी। ये आपकी चीज देखने के बाद मैं आपको एक सुझाव देता हूँ जी हाँ जरूर, कि ये अगर आप डेवलप करें तो शायद हमारे फौज में, आर्मी और नेवी में खास करके, इसको बहुत अच्छे ढंग से उपयोग में लाया जा सकता है। आर्मी में भी मैप रीडिंग का बहुत बड़ा काम होता है।
इवन आप एनसीसी किए होंगे तो आपको एनसीसी का भी मालूम होगा, एनसीसी में भी मैप रीडिंग की ट्रेनिंग कराते हैं। पहले के जमाने में हमारे यहाँ गांव में भी खेल होते थे कि भी चीज खोकर खोज कर ले आओ, फिर इंडिकेशन देते हैं, पहले आता है दूसरा आता है और वो पहुंच जाता है। अगर हम जवानों के लिए इसको साइंटिफिक तरीके से बनाएं और उनकी लाइफ में किस किन चीजों को उनको पार करना होता है, ऐसा अगर इस गेम का रूप दिया जाए तो शायद हमारे डिफेंस सेक्टर को उनका जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसमें ये टेक्नोलॉजी वाला पहलू बहुत काम आ सकता है। और मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के लिए भी, क्योंकि केमिस्ट्री कभी कभी तो बड़ा उदासीन सब्जेक्ट लगता है, लैब की दुनिया साथ जुड़ जाता है, उसमें आपने जान भरने की कोशिश की है, उसमें एक लिविंग एलिमेंट को जोड़ने का प्रयास किया है, तो मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देता हूं। और मैंने जो सुझाव दिया है उस पर आप सोचिए, शायद ये बड़े स्केल पर और कामों में भी आ सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। अब हम चौथे टीम के और बढ़ेंगे। लेट अस नाउ मूव टू सीएमआर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद, वेयर एंड हर टीम आर ईगरली वेटिंग और उन्होंने क्रीडा व्यूह नाम का एक आविष्कार किया। नमस्ते, वी आर फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल मियापुर। This is Yash, Sneha, and I am Vedika. We are at CMR College, Hyderabad, Telangana. It is my pleasure to introduce you to our board game, Krida View, inspired by the war strategy Chakra View, designed by Dronacharya for the famous Battle of Kurukshetra in Mahabharata. It was an excellent military multi-tiered spiral formation. This innovative board game found its roots at our school during the multidisciplinary CBSE Art Integrated Learning Project under the aegis of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's Ek Bharat Shreshth Bharat initiative, where our state of study was Haryana last year. Thanks to the Government of India initiative Titicon 2021 for providing us the opportunity to take it to the next level. We proudly named this our Atmanirbhar initiative Krida View, a Make in India board game that combines the concepts of modern math and Vedic math for various age groups and specially for our visually challenged friends. We students realized that it was a wonderful opportunity to introduce the rich and robust traditions of our country, our Bharatiya culture. Our aim was to imbibe in students the love for Indian mythological characters and their prowess. Children today are fascinated by the Avengers of the West, but we feel that through this game we can change this mindset to let them know about brave Indian warriors like Abhimanyu, who fought dauntlessly with dignity until the end. As we began ideation, we decided to integrate the mathematical concepts of exponents, multiples and factors, Vedic maths and basic mathematical operations for three versions of Krida View. Kya shubh naam beta tumhara? This is the prototype for Krida View 1. It is for age levels 12 years and above, and it has the maths concept of laws of exponents. This can be played by 2 to 5 players. There are various blocks like the normal blocks, the white blocks, the green blocks which have the multiplication of exponents, and there are the colorful blocks which are the Sena formation blocks like Sena Mukha, Patti, Kulma, etc. There are also red blocks that are the danger blocks known as the Vignesses. Also, the player is known as a winner if he reaches Mahayodha and also comes out. We also have another board version with a braille script for the visually impaired children. The braille scripts have a symbol L with them to represent the number series on the left bottom corner, whereas for the colorful blocks, the braille script is on the right to represent alphabets. We have also an app coded from PictoBlox which helps the visually challenged children to ask questions and they get to know what to do on a certain block. If the player lands on a certain block, they can feel whether they are on the number block or the alphabet block and ask the app questions. These questions can be asked in both Hindi and English.
We are also having version for lower grade students, Credavio 2 and Credavio 3. In Credavio 2, we have the concept of factors and multiples along with Vedic maths. So instead of the exponents block, in Credavio 2, we have the Jnana cells. And instead of the Sena formation patterns, we have the Astra cells. If somebody lands on the Astra cell, he or she needs to perform a particular yogasana and follow the instruction given. We also have another version, Credavio 1, for age groups 5 to 8 years. मतलब कोई बड़ा व्यूहरचना करनी है तो मैं आपको भेजूंगा तो चलेगा ना? धन्यवाद सर. देखिए आपका गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपने ये छोटी सी उम्र में ये कोशिश की है वो भी सराहनीय है. लेकिन मैं थोड़ा मुझे जिज्ञासा हो रही है क्योंकि कहाँ महाभारत, कहाँ अभिमन्यु और कहाँ चक्रव्यूह, और वहां से आप 21वीं सदी में क्रीडा व्यूह में ले आए, ये विचार कहाँ से आया? हमें एक बोर्ड गेम बनाना था और बोर्ड गेम में हमें पहेली को इन्वॉल्व करना था, इसलिए हमें चक्रव्यूह याद आया. चक्र यानी सर्कल और व्यू यानी मेज, तो हमने इसी को इंटीग्रेट करके एक चक्रव्यूह बनाया है. और क्योंकि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे, पर हमें बच्चों में ये नहीं डालना है. हमें बच्चों को कहना है कि दे शुड नेवर गिव अप, दे शुड नॉट हैव पार्शियल नॉलेज एज अभिमन्यु एंटर द चक्रव्यूह विदाउट नोइंग हाउ टू कम आउट. एंड इट ऑल्सो स्प्रेड्स द एसेंस ऑफ पर्सिवियरेंस, दैट्स व्हाई वी हैव found a way to come out. The winner, the person who comes, the player who comes out is the Vijeta or the Mahayodha. अच्छा, कितने समय लगता है ये गेम पूरी होने में? औसतन कितना टाइम जाता है? 10 मिनट, क्योंकि हमने एक इजी वे रखा है जो कि महायोद्धा से बाहर आ जाएगा, तो ये 10 मिनट में हो जाएगा और बहुत आसानी से खेल सकते हैं लोग. अच्छा, खेलने के लिए जाएगा जो और जो चक्रव्यूह की कथा जानता है वो ये तो नहीं सोचेगा कि मेरा हाल भी अभिमन्यु जैसा हो जाएगा और डर जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना? वो विधेय होकर के निकलेगा कि अभिमन्यु की तरफ फंस जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा. इसलिए इसी हमने मतलब जो विजेता है, जो बच्चा खेल रहा है उसे विजेता बनाने के लिए हमने बाहर जाने का भी रास्ता ढूंढा है. देखिए, मैं आपकी इस कल्पना शक्ति को और इस रचना के लिए अभिनंदन करता हूं क्योंकि अभिमन्यु ने बहुत छोटी सी उम्र में ही एक लीडरशिप क्वालिटी के दर्शन कराए थे और कईयों को उसने बिल्कुल मोटिवेट किया था. और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके बोर्ड गेम में लीडरशिप स्किल, स्ट्रेटजी, क्रिटिकल थिंकिंग, इसके भी एलिमेंट मैक्सिमम हो, जिससे खिलाड़ियों में इन गुणों का विकास खेलते खेलते ही उनका मन काम करना शुरू करेगा, एक प्रकार से उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी. तो मैं समझता हूं ये गेम व्यक्तित्व के विकास का भी हिस्सा बन सकती है. खेल भी चलेगा, टीम स्पिरिट का भी एक अच्छा सा उदाहरण बन सकता है. तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, आपको बहुत बधाई है, धन्यवाद. धन्यवाद. अब अगला सेंटर है मानव रचना इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज फरीदाबाद. और यहाँ अभी पिछले जो टीम थी उससे भी कम उम्र की इश्मित कौर हमारे साथ है. ये बलवंत राय मेहता विद्या भवन स्कूल की है और बाघ चाल में कैसे परिवर्तन लाके नया गेम बनाया जा सकता है उसको वो पेश करेंगे. स्मिता जी नमस्ते. नमस्ते. नमस्ते टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ बलवंत राय मेहता विद्या भवन आसमान ग्रेटर क्लास 2 न्यू दिल्ली. मॉर्निंग शिफ्ट हैज प्रिपेयर्ड अ गेम रीडिफाइनिंग बागचाल बाय आवर टीम रिद्धिमा, इक्षिता, माधवी, भूमिका एंड स्मित अंडर द मेंटरशिप ऑफ आवर मैथ्स टीचर मिस शैली गांधी. And on the behalf of our team, I, Ishmeet Kaur, is going to present the game. The game is an originated ancient Indian game.
in the Himalayas, and some believe that it is originated from the south of it. We decided to modify this game with a modern touch. Our game has four components: the board, the cards, the tiger tokens, and the goat tokens, and the question answer booklet. The tiger token will try to capture the goat, and the goats will try to block the tigers. There are five sets of questions, and the players will have to answer the questions before their turns. There are four joker cards have been placed in the game in order to act as tiebreakers. These questions are based on algebra, probability, etc. Mind you, this game is based on merit, not fortune. We are in full support of Make in India. Here are some instructions that how our game is played. The game starts with the goat's turn. For the goat's turn, the game has two phases. In the first phase, the goats are put onto the board. In this process, the player can only place one goat on any vacant point onto the board. Once all goats have been placed on the goat, the second phase begins, in which the goats are moved. In this process, the player can move one goat to a line. How for the tiger's turn? The player can move one tiger along any line. The player could also hop one tiger over one adjacent goat. Hopping move and the goats captured by the tiger will be removed from the board. This is a little effort to connect India with its roots, and it is a perfect example of the phrase, we discover and invent new ways of finding out the same old things. Dhanyavaad. बाद में क्या होगा, बाघ भूखा रहेगा कि बाघ को कुछ खाने को मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। इसमें आपने अपनी इनोवेटिव अप्रोच के लिए जरा मुझे समझाइए, बाघ चाल को ही क्यों चुना आपने? पहले तो नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने बाघ चाल को इसलिए चुना है ताकि, जैसे कि आपको पता ही है कि पुराने जमाने में बाघ चाल कैसे खेली जाती थी, हमने उसको इसलिए चुना है ताकि लोगों, मतलब जो भी लोग इसे खेलेंगे या फिर जो भी आज की जनरेशन इसे खेलेगी, उनको पता चलना चाहिए कि पुराने कल्चर में कैसी गेम्स खेली जाती थी, कितनी इंटरेस्टिंग गेम्स होती थी पहले के जमाने में। इसीलिए हमने इसी को चूज करा, क्योंकि जब हमने अपने आसपास के लोगों से पूछा तो किसी को भी इस गेम के बारे में इतना नहीं पता था, तो हमने सोचा ये एक बेस्ट गेम है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और सबको बता सकते हैं कि ये कितनी इंटरेस्टिंग गेम है। आपको मालूम होगा भगवान बुद्ध के जीवन की कथा बचपन में हम सुनते थे कि हंस मारने वाले का कि हंस बचाने वाले का, ये शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। तो चीजें ऐसी प्रमोट हो जो मानवीय मूल्यों को बल दे, जिसमें किसी को बचाना, किसी की संकट में सहाय करना, वो मनुष्य हो या पशु हो, इन सारी चीजों को हमारे देश में सदियों से खेल के माध्यम से जोड़ा गया था, एक संवेदनशीलता, और आपने उसी को पकड़ते हुए आगे ले जाने का एक आधुनिक रूप दिया है। इसलिए मैं पहले तो आपको, आपकी टीम को बधाई देता हूं, और आपने हमारे पारंपरिक खेल को बचाने के लिए भी सचमुच में प्रशंसनीय काम किया है, इसके लिए भी आप अभिनंदन के अधिकारी हैं, आपकी पूरी टीम अभिनंदन के अधिकारी है। मुझे विश्वास है कि आप जैसे साथियों के प्रयासों से देश के अनेक युवा ये जो परंपरागत चीजें हैं उसको आधुनिक रूप में देश के सामने लाएंगे और शायद नई पीढ़ी को उसके कारण और रुचि बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वहां दो टीमें हैं, जीबीआईटी देहरादून ये सेंटर है, यहां पहला मास्टर लक्षा श्रीवास्तव ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र हैं, और गणित भी छात्रों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, ट्रिग्नोमेट्री तो और भी लगता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक बोर्ड गेम को इन्होंने डेवलप किया। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, आई एम लक्ष्य श्रीवास्तव एंड दीज आर माय टीम मेंबर्स अर्णव गिरी एंड शशांक कशवाल फ्रॉम आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर रुड़की।
Our team has created a board game which is based on trigonometry, and we named it Kon Krida, means playing with angle. Our game has three elements. First, the game board. Second, the three dice and the six pawns, which are printed of PLA, that is polylactic acid. Hence, it is biodegradable material. The game starts from the home zone, as you can see where the sign is written, that is the home zone. The game starts from there, and from there you have to reach to the victory point in the center of the board. You have to cover a total of four levels to reach there. After unlocking your pawn by getting zero or theta in your dice, we'll move to a starting point. Every ratio zone, as you can see, has its own starting point. From there, you have to complete one round in level one, and after that, one round in level two to reach the level three. Between level one and level two, total 10 questions will be asked by the other players. When you have to move through other ratio zones, the other player will ask question to you. After that, when you will come to level three, in level three and four, simply you have to answer a question and move ahead to victory point. But this time the pattern has changed. A question will be asked the player opposite to you. That is, if you are signed, then Cossack will ask question to you. The main purpose of creating this game is to promote the mathematics, and the student should explore the interest and joy in applying the mathematics. The domain of questions is also set in such a way. As for example, in level 3, the question is, the sample question is, what is the area of the biggest hexagon? So to answer this question, the students have to apply the mathematics. Here the Heron's formula is applied. In level 1 and level 2, the questions are based on trigonometry, trigonometric identities, trigonometric formulas, and also the game board is also a set of questions. This is constructed of many shapes, triangles, quadrilaterals, hexagons, sectors and segments. अच्छा लक्ष्य, आपने कभी वैदिक मैथमेटिक्स के संबंध में सुना है? जी सर, सुना है. लगता है आप उसको देख करके बहुत बढ़िया बढ़िया गेम बना सकते हैं. इतनी सरलताएं है उसमें, पड़ जाता है उसको लगता है अरे तो बड़ा आसान है, मैं आसानी से कर सकता हूं. तो एक तो मेरा सुझाव रहेगा, ट्रिगोमेट्री सिखाने का आपका ये कॉन्सेप्ट सचमुच में विद्यार्थी आलम के लिए तो बहुत ही उपयोगी होगा. इसमें भारत के महान गणितज्ञों का योगदान अहम रहा है, और ये हमारे देश की एक विशेष विरासत है, बड़ी ताकतवर विरासत है. और इसका परिचय भी हमारे युवाओं को हो, क्या इसके अंदर वो भी एलिमेंट कहीं है क्या? सर, एट नाउ देर इज नो सच टाइप ऑफ एलिमेंट, बट थैंक यू फॉर दिस सजेशन एंड वी विल वर्क ऑन इट एंड ऐड दिस एलिमेंट इन अवर गेम. चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैथमेटिक में लोगों की रुचि बढ़े इसके लिए शायद ये बहुत ही उपयोगी होगा. मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद. अब हम आखिरी टीम के ओर बढ़ रहे हैं, डॉक्टर आशीष और उनके साथी. सिलोवो इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की स्टार्टअप है, और इन्होंने आरोग्य के ऊपर एक गेम डेवलप किया है. उनके साथ अभी आप जुड़ेंगे. सर नमस्कार. माननीय प्रधानमंत्री जी, आत्मनिर्भर भारत अभियान और शुरू करने के लिए और आज हमें अपना समय देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं. मैं आशीष करण, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज देहरादून से आज अपनी टीम के साथ, जिसमें कि पंकज, मानस, रमन, स्वप्निल और अभय शामिल है, इस खेल आरोग्य को प्रस्तुत कर रहा हूं. लेकिन आप तो पेट्रोलियम वाले हैं, आरोग्य आयुर्वेद में कहां घुस गए? हम तो भारत के हैं सर. नहीं नहीं, पेट्रोलियम की दुनिया वाले हैं, और आपको आयुर्वेद में इतनी रुचि है, इसका कोई बैकग्राउंड है क्या? बैकग्राउंड से यही कहूंगा कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति के मूलभूत अंगों में मुझे बहुत रुचि है, हमेशा से रही है हमारे उसमें. बताइए सर, जो सर्वे संतु निरामया, ये जो भारतीय आदर्श हैं, यही इस हमारे खेल का आधार है कि सब लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं. यह खेल हमें सिखाता है कि आरोग्य सबसे पहले है क्या. तो भारतीय जो मान्यता है, जो भारतीय ऋषियों ने दिया है, जो महर्षि चरक ने बताया है, वो यह कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्य मूलम उत्तमम.
हेल्थ इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, इवन वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो व्याधियों का न होना मात्र आरोग्य नहीं है, यह परिभाषा महर्षि चरक ने काफी पहले दिया था 1948 में, WHO ने स्वीकृत किया इस परिभाषा को। तो हम इसी तथ्य को आगे रख रहे हैं कि आरोग्य है क्या, आरोग्य वृद्धि कैसे हो, आरोग्य संवर्धन कैसे हो। इस खेल में शुरुआत में हर खिलाड़ी को कुछ पैसे और कुछ आयु दी जाती है, कुछ पैसे और कुछ आयु दी जाती है। तो पासे फेंक कर जो हर खिलाड़ी है वो आगे बढ़ता है। खेल के अंदर बहुत सारे औषधि क्षेत्र हैं, तो पैसे से वो औषधि क्षेत्रों को खरीद सकता है, और यदि बाद में उन क्षेत्रों पर कोई और आए तो उनसे कर वसूल कर धन भी अर्जित कर सकता है। लेकिन इन सारे धनों की कोई उपयोगिता ही नहीं है यदि आपका आपकी आयु ही शेष ना हो। तो आयु सर्वोपरि है, तो आयु कैसे क्षीण होती है इस खेल में? इस खेल में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां जाने से आयु क्षीण होती है, जैसे कि एक स्ट्रेस सेंटर है, यदि हम बहुत स्ट्रेस लें तो हमारी आयु क्षीण होगी। इसी तरह से अनुचित आहार, जो कि अंग्रेजी में जंक फूड भी कहते हैं, उसका भी एक सेंटर है, यदि वहां पहुंचता है बच्चा उसका पैदा, तो उसकी आयु क्षीण होगी। इसी तरह से दो प्रमुख डिजीज सेंटर्स हैं इस खेल में, जहां पर अगर पासे से आप एक से छह फेंकेंगे तो छह तरह के विभिन्न रोग हैं जिससे आप ग्रसित हो जाएंगे। तो जब कोई बीमारी से ग्रसित होगा तो एफिशिएंट नहीं होगा, उसकी चाल धीमी हो जाएगी, ऐसा इसका नियम है। बीमारी से ग्रसित होने पर यह जरूरी है कि प्लेयर शीघ्र से शीघ्र हेल्दी बने, स्वस्थ बने। तो बीमारी से जो ग्रसित होने पर जो निकलने के उपाय हैं वो तीन हैं जो हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं, वो है आहार, विहार और उपचार। ये तीनों स्तंभों को हमने इस खेल में सम्मिलित किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आहार की। तो हमारे भारत में जो बात है कि आहार ही ऐसा होना चाहिए कि औषधि की आवश्यकता न पड़े, व्याधियां आए ना, आहारम परमम औषधम। तो इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें दिखाया है, ताजे फल, सब्जी, फल, पंचगव्य, रसोई की औषधियां, वो सारे इसमें सम्मिलित किए हैं हमने। सबसे एक महत्वपूर्ण संदेश जो हम इसमें देना चाह रहे हैं वो यह है प्रधानमंत्री जी, की जो भारतीय रसोई है हमारी, इसमें जो हमारे जिन्हें मसाले कहते हैं वो वास्तविकता में वो सारी औषधियां हैं, जैसे कि हल्दी, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, अजवाइन, मेथी, वो सारे औषधि क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। हमारा प्रयास यह है कि जो बच्चे हैं, बच्चे भी बड़े भी, सब इस बात को समझें कि घर में मौजूद जो हमारे पास औषधियां हैं उनसे ही हम उपचार कर सकते हैं। विहार के रूप में इस खेल में योग प्राणायाम सम्मिलित किया गया है, पंचकर्म भी सम्मिलित किया गया है, जहां पहुंचकर संपूर्ण रोगों से स्वतः निवारण हो जाता है, और उपचार के लिए औषधियां तो हैं ही। और अंत में मैं यह कहूंगा कि यह आयुर्वेद का ज्ञान, ये जो आयुर्वेद का विरासत जिन्होंने हमें दिया है, जो भारत के महान ऋषि रहे हैं, महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक, महर्षि वाग्भट, भारद्वाज, अत्रेय, उन सबको इस खेल में सम्मिलित किया गया है। वे सब के सब इस खेल में उपस्थित हैं हमें आयु आरोग्य का आशीर्वाद देने के लिए। तो जब भी कोई खिलाड़ी वहां पहुंचता है तो उसे आयु मिलती है। तो यही हमारा यही प्रयास है इस खेल के थ्रू कि जो भारतीय लोग हैं, जो बच्चे हैं खासकर, वो आयुर्वेद के सिद्धांतों को, उनकी महत्ता को समझें, आरोग्य के महत्व को समझें, आरोग्य के, और इसको जीवन में उतारें, जीवन में प्रयोग करें और स्वस्थ निरोग रहें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद व्यक्त करता हूं। नमस्कार। आशीष जी, आपको और आपकी टीम को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि ये हमारा, आज मुझे खुशी हुई कि जितने भी प्रेजेंटेशन आए हैं उसमें खेल तो है, फन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं पर शरीर की चिंता की गई है, कहीं पर मन की चिंता की गई है, कहीं पर बुद्धि की चिंता की गई है, कहीं पर सब्जेक्ट्स को सरलता से पढ़ने का रास्ता सिखाया गया है। अरे बड़ा विविधतापूर्ण आज मुझे ये खाले खेल की दुनिया देखने को मिली। आशीष जी, ये जो आपका बोर्ड गेम है, इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर किस तरह से जोर दिया गया है? क्योंकि एक बार जाते जाते कहीं तकलीफ आई तो बराबर है, प्रिवेंटिव हेल्थ, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ का सबसे पहला सिद्धांत यही है, और उसके लिए कुछ है क्या इसमें? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, कुछ इसमें ऐसे एलिमेंट्स तो हैं जिन्हें, जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं, जिस खेल में हमने डाले हैं, लेकिन इस पर हम और गहन विचार करके इसमें और सारे एलिमेंट्स को हम शरीक जरूर करेंगे इस खेल में, क्योंकि बहुत ही उपयुक्त सुझाव आपने दिया है। देखिए आशीष जी, मेरा एक सुझाव है कि
आप यह नया भी एक गेम बोर्ड बना सकते हैं, नए तरीके से बना सकते हैं, और वो बच्चों को हेल्दी फूड के फायदे और जंक फूड के नुकसान, इसके बारे में खेलते खेलते उनको पता चले कि भाई ये खाया तो ये हो जाएगा, ये खाया तो ये हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि देश जो कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, कुपोषण के संबंध में भी हम बहुत आसानी से हमारे बच्चों को गाइड कर सकते हैं। वरना कभी बच्चों को लगता है कि नहीं, मैं ये टमाटर नहीं खाऊंगा, गाजर नहीं खाऊंगा, ये सब्जी नहीं खाऊंगा, मुझे तो गुड़ और चपाती चाहिए, ये बच्चों के मन में रहता है। कभी कहता है दूध नहीं पीऊंगा। अगर गेम के माध्यम से, बहुत बड़ा आयुर्वेद शास्त्र की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कुपोषण के संबंध में, चाहे उसमें हैबिट की बात हो, हाथ धोना चाहिए खाने से पहले, पानी कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, पानी कितना शुद्ध होना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें खेल के माध्यम से और एक गेम बोर्ड के माध्यम से कुपोषण के खिलाफ जंग, ऐसा भी आप बना सकते हैं और बड़े आराम से बना सकते हैं, तो शायद ये बहुत पॉपुलर हो जाएगा। मेरी आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद जी। प्रधानमंत्री जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जो जो लगता है इसमें है, और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक उसी के सिलसिले में होते हुए आपने अपना समय हमारे साथ दिया, और हमारे स्टार्टअप हो, छात्र छात्राओं हो, मेंटर्स हो, जूरी हो, इन सब लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ दो मंत्री भी जुड़े हुए हैं, उनको भी धन्यवाद, क्योंकि इसमें से बहुत सारी आइडियाज इंप्लीमेंट करने के लिए उनको हम चाहते हैं कि हम उनकी मदद लेंगे और उसको स्टार्टअप बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। मुझे आप लोगों की बातें सुन करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे खुशी है कि आज हमारे साथी मंत्री पीयूष जी, संजय जी, ये सारे लोग भी हमारे साथ हैं। साथियों, टॉय के थॉन में जो देश भर से प्रतिभागी हैं, अन्य जो महानुभाव है और भी आज इस कार्यक्रम जो देख रहे हैं, देखिये हमारे यहां कहा जाता है, साहसे खलु श्री ही वस्ती, यानी साहस में ही श्री रहती है, समृद्धि रहती है। इस चुनौतीपूर्ण समय में देश के पहले टॉयकेथॉन का आयोजन इसी भावना को मजबूत करता है। इस टॉयकेथॉन में हमारे बाल मित्रों से लेकर युवा साथियों, टीचर्स, स्टार्टअप्स और उद्यमियों ने भी बहुत उत्साह से हिस्सा लिया है। पहली बार ही 1,500 से ज्यादा टीमों का ग्रैंड फिनाले में शामिल होना, ये अपने आप में उज्जवल भविष्य के संकेत देता है। ये टॉयज और गेम्स के मामले में आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देता है। इसमें कुछ साथियों के बहुत अच्छे आइडियाज भी उभर करके आगे आए हैं। अभी कुछ साथियों के साथ मुझे बातचीत करने का अवसर भी मिला, मैं इसके लिए फिर से एक बार बधाई देता हूं। साथियों, बीते 5-6 वर्षों में हैकाथॉन को देश की समस्याओं के समाधान का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसके पीछे की सोच है देश के सामर्थ्य को संगठित करना, उसे एक माध्यम देना। कोशिश यह है कि देश की चुनौतियां और समाधान से हमारे नौजवान का सीधा कनेक्ट हो। जब ये कनेक्ट मजबूत होता है तो हमारी युवा शक्ति की प्रतिभा भी सामने आती है और देश को बेहतर समाधान भी मिलते हैं। देश के पहले टॉयकेथॉन का मकसद भी यही है। मुझे याद है, मैंने खिलौनों और डिजिटल गेमिंग की दुनिया में आत्मनिर्भरता और लोकल सॉल्यूशंस के लिए
युवा साथियों से अपील की थी, उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस देश में देखने को मिल रहा है। हालांकि चंद लोगों को यह भी लगता है कि खिलौने ही तो है, इनको लेकर इतनी गंभीर चर्चा की क्या जरूरत है। असल में ये टॉयज, ये गेम्स हमारी मानसिक शक्ति, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी अर्थव्यवस्था पर ऐसे अनेक पहलुओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन विषयों की बात भी उतनी ही आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि बच्चे की पहली पाठशाला अगर परिवार होता है तो पहली किताब और पहला दोस्त ये खिलौने ही होते हैं। समाज के साथ बच्चे का पहला संवाद इन्हीं खिलौनों के माध्यम से होता है। हमने देखा होगा बच्चे घर में खिलौनों से बातें करते रहते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उससे कुछ काम करवाते हैं, क्योंकि उसी से उसके सामाजिक जीवन का एक प्रकार से शुरुआत होता है। इसी तरह ये टॉयज, ये बोर्ड गेम्स धीरे धीरे उसकी स्कूल लाइफ का भी एक अहम हिस्सा बन जाते हैं, सीखने और सिखाने का माध्यम बन जाते हैं। इसके अलावा खिलौनों से जुड़ा एक और बहुत बड़ा पक्ष है जिसे हर एक को जानने की जरूरत है, यह है टॉयज और गेमिंग की दुनिया की अर्थव्यवस्था, टॉय इकोनॉमी। आज हम जब बात कर रहे हैं तो ग्लोबल टॉय मार्केट करीब करीब 100 बिलियन डॉलर का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास ही है, सिर्फ 1.5 बिलियन। आज हम अपनी आवश्यकता के भी लगभग 80% खिलौने विदेशों से आयात करते हैं, यानी इन पर देश का करोड़ों रुपये बाहर जा रहा है। इस स्थिति को बदलना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ आंकड़ों की ही बात नहीं है, बल्कि ये सेक्टर देश के उस वर्ग तक, उस हिस्से तक विकास पहुंचाने में सामर्थ्य रखता है जहां इसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। खेल से जुड़ा जो हमारा कुटीर उद्योग है, जो हमारी कला है, जो हमारे कारीगर हैं, वो गांव, गरीब, दलित, आदिवासी समाज में बड़ी संख्या में है। हमारे ये साथी बहुत सीमित संसाधनों में हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को अपनी बेहतरीन कला से निखार कर अपने खिलौनों में ढालते रहे हैं। इसमें भी विशेष रूप से हमारी बहनें, हमारी बेटियां बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। खिलौनों से जुड़े सेक्टर के विकास से ऐसी महिलाओं के साथ ही देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले हमारे आदिवासी और गरीब साथियों को भी बहुत लाभ होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने लोकल खिलौनों के लिए वोकल होंगे। लोकल के लिए वोकल होना जरूरी है, और उनको बेहतर बनाने के लिए, ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हर स्तर पर प्रोत्साहन देंगे। इसके लिए इनोवेशन से लेकर फाइनेंसिंग तक नए मॉडल विकसित करना बहुत जरूरी है। हर नए आइडिया को इंक्यूबेट करना जरूरी है। नए स्टार्टअप को कैसे प्रमोट करें, और खिलौनों की पारंपरिक कला को, कलाकारों को कैसे नई टेक्नोलॉजी, नई मार्केट डिमांड के अनुसार तैयार करें, यह भी आवश्यक है। टॉयकेथॉन जैसे आयोजनों के पीछे यही सोच है। साथियों, सस्ता डेटा और इंटरनेट में आई तेजी आज गांव-गांव तक देश को डिजिटली कनेक्ट कर रही है। ऐसे में फिजिकल खेल और खिलौनों के साथ साथ
वर्चुअल डिजिटल ऑनलाइन गेमिंग में भी भारत की संभावनाएं और सामर्थ्य दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जितने भी ऑनलाइन या डिजिटल गेम्स आज मार्केट में उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकतर का कंसेप्ट भारतीय नहीं है, हमारी सोच से मेल नहीं खाता है। आप भी जानते हैं कि इसमें अनेक गेम्स के कंसेप्ट या तो वायलेंस को प्रमोट करते हैं या फिर मेंटल स्ट्रेस का कारण बनाते हैं। इसलिए हमारा दायित्व है कि ऐसे वैकल्पिक कॉन्सेप्ट डिजाइन हो जिसमें भारत का मूल चिंतन जो संपूर्ण मानव कल्याण से जुड़ा हुआ हो वो हो, तकनीकी रूप में सुपीरियर हो, फन भी हो, फिटनेस भी हो, दोनों को बढ़ावा मिलता रहे। और मैं ये भी स्पष्ट देख रहा हूं कि डिजिटल गेमिंग के लिए जरूरी कंटेंट और कॉम्पिटेंस हमारे यहां भरपूर है। हम टॉय के थोन में भी हम भारत की इस ताकत को साफ देख सकते हैं। इसमें भी जो आइडिया सिलेक्ट हुए हैं उनमें मैथ्स और केमिस्ट्री को आसान बनाने वाले कॉन्सेप्ट हैं और साथ ही वैल्यू बेस्ड सोसाइटी को मजबूत करने वाले आइडियाज भी हैं। अब जैसे ये जो आइक्रोगिटो गेमिंग का कंसेप्ट आपने दिया है, इसमें भारत की इसी ताकत का समावेश है। योग से वीआर और एआई टेक्नोलॉजी से जोड़कर एक नया गेमिंग सॉल्यूशन दुनिया को देना बहुत अच्छा प्रयास है। इसी तरह आयुर्वेद से जुड़ा बोर्ड गेम भी पुरातन और नूतन का अद्भुत संगम है। जैसा कि थोड़ी देर पहले बातचीत के दौरान नौजवानों ने बताया भी कि एक कंपिटिटिव गेम दुनिया में योग को दूर सुदूर पहुंचाने में बहुत मदद कर सकता है। साथियों, भारत के वर्तमान सामर्थ्य को, भारत की कला संस्कृति को, भारत के समाज को आज दुनिया ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत उत्सुक है। लोग समझना चाहते हैं। इसमें हमारी टॉयज और गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। मेरा हर युवा इनोवेटर से, हर स्टार्टअप से ये आग्रह है कि एक बात का बहुत ध्यान रखें, आप पर दुनिया में भारत के विचार और भारत का सामर्थ्य दोनों की सही तस्वीर रखने की जिम्मेदारी भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत से लेकर वसुधैव कुटुंबकम की हमारी शाश्वत भावना को समृद्ध करने का दायित्व तो भी आप पर है। आज जब देश आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये टॉयज और गेमिंग से जुड़े सभी इनोवेटर्स और क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। आजादी के आंदोलन से जुड़ी अनेक ऐसी दास्तान है जिनको सामने लाना जरूरी है। हमारे क्रांतिवीरों, हमारे सेनानियों के शौर्य की, लीडरशिप की कई घटनाओं को खिलौनों और गेम्स के कॉन्सेप्ट के रूप में तैयार किया जा सकता है। आप भारत के फॉग को फ्यूचर के से कनेक्ट करने की वाली भी एक मजबूत कड़ी है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारा फोकस ऐसे टॉयज, ऐसे गेम्स का निर्माण करने पर भी हो जो हमारी युवा पीढ़ी को भारतीयता के हर पहलू को इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव तरीके से बताए। हमारे टॉयज और गेम्स इंगेज भी करें, एंटरटेन भी करें और एजुकेट भी करें, यह हमें सुनिश्चित करना है। आप जैसे युवा इनोवेटर्स और क्रिएटर्स से देश को बहुत उम्मीद है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने लक्ष्यों में जरूर सफल होंगे, अपने सपनों को जरूर साकार करेंगे। एक बार फिर इस टॉय के थॉन के सफल आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।